आइडिलिया के बाहर से बरामद जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो मामले में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को लेकर प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए की जांच में सामने आया है कि वाजे के पास कई लग्जरी कारें थी, इनमें से तीन केंद्रीय जांच एजेंसी ने जब्त कर ली है। बता दें कि गुरुवार शाम को बरामद मर्सिडीज और प्राडो एक पार्किंग में छिपा कर रखी गई थी। प्राडो रत्नागिरी के एक शिवसेना नेता के नाम पर रजिस्टर्ड है। आपको बता दें कि दिल्ली से फोरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम गुरुवार को एनआईए ऑफिस पहुंची थी। आज ये टीम वाजे की मर्सिडीज कार की जांच करेगी। वाजे की पहली कार 16 मार्च को जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के पास बीएमसी की पार्किंग में खड़ी मिली थी। जांच में पता चला कि वाजे ने इसे 13 से 14 मार्च के बीच यहां पार्क किया था। वहां के गार्ड ने एनआईए को बताया कि ये कार कई बार यहां रखी गई थी। वहीं एनआईए के हाथ एक नया सीसीटीवी फुटेज लगा है। बता दें कि फुटेज की जांच में सामने आया कि स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन और वाजे के बीच सीएसएमटी के पास 17 फरवरी को 10 मिनट की मुलाकात हुई थी। इसी दिन मनसुख ने स्कॉर्पियो चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मनसुख हिरेन रिपीट इसी दिन मनसुख ने स्कॉर्पियो चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। मनसुख ओला कैब में वाजे से मिलने आया था। माना जा रहा है कि ये फुटेज तब की है जब मनसुख को अपनी कार चोरी होने की जानकारी मिली थी। एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि एनआईए ने अंबानी के घर के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो की चाबी बरामद कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में वाजे जिस मर्सिडीज से पुलिस मुख्यालय से निकलते नजर आ रहे हैं उसी में वे मनसुख से भी मुलाकात करते हैं। बाद में सीएसएमटी के मुख्य चौराहे पर भी उनकी कार नजर आती है, जहां ग्रीन लाइट होने के बावजूद वाजे की कार वहां से आगे नहीं बढ़ती। कुछ देर बाद मनसुख वहां आता है और कार के अंदर चला जाता है। इसके बाद कार जनरल पोस्ट ऑफिस के पास नजर आती है। वहां तकरीबन 10 मिनट तक रुकने के बाद मनसुख वहां से चला जाता है। इसके बाद मर्सिडीज पुलिस हेडक्वार्टर में प्रवेश करती नजर आती है। मनसुख को सीएसएमटी तक लाने वाली ओला कार के ड्राइवर से पूछताछ में बताया है कि सीएसएमटी पहुंचने के दौरान मनसुख के फोन पर 5 कॉल्स आई थी। कॉल करने वाले ने मनसुख को पहले पुलिस मुख्यालय के सामने स्थित रूपम शोरूम के बाहर बुलाया और आखिरी फोन कॉल में उसे सीएसएमटी के सिग्नल पर आने को कहा गया। जांच एजेंसियों ने इन सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने के लिए एलएनटी से संपर्क किया है। मुंबई में ट्रैफिक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के संचालन का काम एलएनटी ही करती है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक